दोस्तों आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ में और आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के डेबिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये पहले से पता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, वरना आप वीडियो को पूरा देखना। अब यहाँ पर एक पहले हम आपका डाउट क्लियर कर देते हैं कि अगर आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर अकाउंट एजेंट के थ्रू ओपन करवाया गया है तो कुछ इस प्रकार से QR कार्ड प्रोवाइड कराया जाता है, लेकिन ये QR कार्ड आपका पासबुक का काम करता है, ना कि ATM कार्ड का। क्योंकि जब आपके पास ATM कार्ड होगा तो उससे आप गूगल पे, फोनपे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशन को भी आप यूज़ कर पाओगे, बाकी ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप ट्रांजेक्शन भी कर पाओगे। तो यहाँ पर अगर आप भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर डेबिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर डेबिट कार्ड अप्लाई करने से पहले यहाँ पर हम उसके चार्जेस देन बेनिफिट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर अगर आप डेबिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो लगभग आपको डेबिट कार्ड का ₹25 चार्ज आपको पे करना पड़ता है। अगर आपको रिन्यूअल करवाना है तब भी आपको ₹25 ही देना पड़ेगा, या फिर डेबिट कार्ड को रीइशू करवाना है तब भी आपको ₹25 का ही चार्ज देना पड़ेगा। डेबिट कार्ड के थ्रू आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन खरीदारी वगैरह आप कर सकते हैं। ये सारे आपको डेबिट कार्ड के बेनिफिट आपको देखने को मिल जाते हैं। बता दें कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से आपको यहां पर रुपए का वर्चुअल डेबिट कार्ड प्रोवाइड कराया जाता है। अगर दोस्तों आप भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर डेबिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आइए अब हम जान लेते हैं इसके अंदर डेबिट कार्ड कैसे अप्लाई करेंगे। दोस्तों अगर आप भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का डेबिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन डेबिट कार्ड अप्लाई तभी हो पाएगा जब आपका IPPB मोबाइल बैंकिंग पर रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आपने अभी तक की इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पर 2024 का नया प्रोसेस शुरू हो चुका है रजिस्ट्रेशन करने का। तो अगर आपको उस वाली वीडियो को देखना है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों रजिस्ट्रेशन जब आपका इसका सक्सेसफुल हो जाएगा तब यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आप दोस्तों देख सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सेक्शन मिल जाएगा, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते समय पर जब भी आपने जो भी MPIN सेट किया होगा अब वाला MPIN आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। और MPIN दोस्तों जैसे आप टाइप कर देंगे तो आप इसकी मोबाइल बैंकिंग में सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम डेबिट कार्ड अप्लाई करने से पहले एक और चीज़ हम क्लियर कर देते हैं। अगर आप इसमें डेबिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो आपके अकाउंट के अंदर कम से कम मिनिमम ₹25 अकाउंट के अंदर होंगे तभी दोस्तों आप यहाँ पर इसका डेबिट कार्ड अप्लाई कर पाएंगे। हमारे केस में दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम पर ₹102 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर हम इसके डेबिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप यहां पर 3 लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं अकाउंट अपग्रेडेशन, यानी कि अगर आप अपने डिजिटल अकाउंट को प्रीमियम अकाउंट के अंदर अपग्रेड करना चाहते हो तो इसे आपको कैसे करना है पता है? अगर नहीं पता है तो उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप मोबाइल बैंकिंग किसी भी एप्लीकेशन के अंदर मोबाइल बैंकिंग को यूज़ करते हैं ना तो नए नए आपको अपडेट देखने को मिलते रहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं वैसे तो आपको बहुत सारे आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे UPI सर्विस को लेकर। साथ ही साथ अगर आप पेज को थोड़ा सा आप ऊपर को बढ़ाएंगे आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एक डेबिट कार्ड का सेक्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर हमें रुपए का डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। उसके डेबिट कार्ड के थ्रू आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी एप्लीकेशन को भी रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं डेबिट कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे डेबिट कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जब आप पहली दफ़ा यहाँ पर अकाउंट ओपन करेंगे, मोबाइल बैंकिंग पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा, नो वर्चुअल डेबिट कार्ड फॉर दिस अकाउंट। अगर आपको पहले से प्रोसेस पता तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो अभी तक वो डेबिट कार्ड अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पर इसके नीचे आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट वर्चुअल डेबिट कार्ड का आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और मेक श्योर ये करना जब आप इसकी मोबाइल बैंकिंग पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जो बैंक से मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर आपके फ़ोन में डला हुआ होना चाहिए, तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा, देन तभी आप इसकी मोबाइल बैंकिंग को लॉगिन कर पाएंगे। देन इसके बाद में देख सकते हैं रिक्वेस्ट वर्चुअल डेबिट कार्ड का एक आपको सेक्शन देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बताया गया है कि रुपए वर्चुअल कार्ड आपको मिलेगा जो कि वैलिड रहेगा 60 मंथ के लिए। आप देख सकते हैं 60 महीने के लिए वैलिड रहेगा। और यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं इसके बारे में बता, अगर आपको अधिक जानकारी लेनी है तो कस्टमर केयर पर भी कॉल कर सकते हैं। अब जैसे दोस्तों आप पेज को थोड़ा सा ऊपर को बढ़ाएंगे आप देख सकते हैं नीचे आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन का आपको सेक्शन देखने को मिल जाएगा, आपको इस वाले बॉक्स पर चेकआउट कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस बताएंगे, यहाँ पर भी आपको बताया गया है कि वर्चुअल डेबिट कार्ड जो आप इशू कर रहे हैं उसका ₹25 आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा, और री इशू करने का भी ₹25 ही, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया। तो आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे।
जैसे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। अब वाली ओटीपी दोस्तों ऑटोमेटिक यहां पर फिल हो जाएगी, नहीं होती तो आप यहां पर टाइप कर देंगे। ओटीपी टाइप करने के बाद में आप यहां पर दोस्तों देख सकते हैं सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे दोस्तों आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं वर्चुअल डेबिट कार्ड जनरेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर जिस तारीख को आपने डेबिट कार्ड को जनरेट किया वो डेट भी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपका कार्ड नंबर शो हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि आपका नाम भी शो हो जाएगा, रुपए डेबिट कार्ड मिलेगा, कार्ड स्टेटस यहाँ पर आपको इनएक्टिव अभी देखने को मिलेगा, इसका रेफरेंस नंबर भी मिल चुका है। थोड़ा सा पेज को थोड़ा सा आप ऊपर को बढ़ाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कार्ड व्यू का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर गो टू होम का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर व्यू कार्ड के ऑप्शन पर अगर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं अब इसका आपको एम पिन सेट करना पड़ेगा क्योंकि तभी आपका जो कार्ड है वो एक्टिवेट होगा। एम पिन टाइप करने के बाद में कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो सक्सेसफुल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर डेबिट कार्ड आपका अप्लाई हो चुका है, जो कि वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगा और कार्ड नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर स्टेटस दोस्तों देख सकते हैं कि एक्टिव डेबिट कार्ड। अगर आपको कार्ड की पूरी डिटेल देखनी है तो व्यू कार्ड डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी पूरी डिटेल को भी आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर नीचे मैनेज लिमिट का ऑप्शन मिल जाएगा और आप चाहो तो इस डेबिट कार्ड को ब्लॉक भी कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर बैक आ जाएंगे, बैक आने के बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने आपको बताया था कि हमारे अकाउंट के अंदर टोटल 102 रुपये पड़े हुए, तो जो कि हमने आपको लाइव यहाँ पर दिखाया था। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम क्लिक करते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर 77 रुपये हमारे अकाउंट के अंदर बचा है, यानी कि 25 रुपये हमारे अकाउंट के अंदर से कट चुका है हमने जो वर्चुअल डेबिट कार्ड अप्लाई किया है। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपको एक मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो मिनी स्टेटमेंट के ऑप्शन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे अकाउंट से 25 रुपये का चार्ज काट लिया गया, जो कि आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर अपने डेबिट कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हैं। सो अभी दोस्तों आपने यहां पर देख लिया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर किस प्रकार से अपने एक वर्चुअल डेबिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, डेबिट कार्ड का आपको चार्ज कितना देना पड़ेगा और डेबिट कार्ड यहाँ पर कैसे मिलेगा। तुरंत आपको डेबिट कार्ड जनरेट होकर मिल जाता है, डेबिट कार्ड का 25 रुपये हर साल आपसे लिया जाएगा। साथ ही साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपको फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं प्रोवाइड कराती, तो आपके वर्चुअल डेबिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन UPI बैंकिंग को चालू कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अपना आप यूज़ कर सकते हैं इसके डेबिट कार्ड के थ्रू। तो अगर आपको वीडियो के अंदर पूरी तरीके से जानकारी समझ आ गई तो जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह गया तो वीडियो के नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।